नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं बजट कारों के बारे में। अगर आपका बजट 10 लाख के अंडर है और आप सोच रहे हैं कि एक नई गाड़ी लेनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना बनता है, क्योंकि मैं आज आपको बताने लगा हूँ 10 ऐसी कारों के बारे में जो कि 10 लाख के अंडर आ रही हैं और नई कारें हैं, कुछ अपडेट्स हैं और वो भी बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि काफ़ी देर से वेट भी की जा रही थी। कुछ ऐसी नई कारें हैं जो कि आपको हर तरीके से देखना बनता है कि क्या उन कारों में सही कुछ आ रहा है या उसके लिए इंतज़ार बनता था या नहीं बनता था। लेकिन दिल थाम के बैठिए, 10 लाख के अंदर 10 कारें ऐसी आ रही हैं जो कि बहुत ही किफ़ायती रहेंगी, उनके बारे में आज बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली गाड़ी जो मैं बात करने लगा हूँ वह ह्यूंडई की तरफ से आ रही है, एक्स्टर नाम से गाड़ी का आ रही है, जो कि एक छोटी गाड़ी है। आजकल एसयूवी का जो ट्रेंड चल पड़ा है, छोटी साइज की एसयूवी के शेप में ये गाड़ी आएगी जो कि वेन्यू से नीचे वाले प्लेटफॉर्म के अंदर आएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि मुकाबला इसका सीधा सीधा टाटा पंच से हो सकता है, या जो C3 गाड़ी आई सिट्रन की तरफ से नई नवेली, तो उसकी साथ भी इसका मुकाबला ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो इंजन आएगा, इंजन ग्रैंड आइटन नियोस वाला ही सेम इंजन इसके अंदर पाया जाएगा, जो कि इसके अंदर 5 ट्रिम्स भी लेके आएगा। क्लियर दिखाया जा रहा है, 11,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट देकर आप ऑफिशियल इसको बुक भी करा सकते हैं। बहुत जल्दी ही आपके सामने गाड़ी शोरूम्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। इनके जो मॉडल्स हैं वो EX, SX ऑप्शनल कनेक्ट के नाम से इसका वेरिएंट टॉप ट्रिम होगा, जो कि कनेक्टेड कार के फीचर्स होंगे, जाहिर सी बात है जो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो इसके अंदर जो इंजन आएगा 1.2 लीटर का कापा इंजन आएगा, जो कि सेम ही है जो कि CNG और पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ सारी सुविधाएं लेके गाड़ी आएगी। हुंडई जानी जाती है अपने टच फील फिनिश को लेके, फिट एंड फिनिश बहुत शानदार होती है इनकी, तो वही चीज इसके अंदर बरकरार रहेगी। शक्ल सूरत बनावट में देखने को गाड़ी अच्छी लग रही है। नंबर 2 पे जो गाड़ी है दोस्तों टाटा की नेक्सन, जो कि बहुत ही जल्द 2023 नेक्सन 2023 के नाम से नई गाड़ी है आपके सामने पेश की जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस के साथ आएगी। साल 2017 में जब पहली बार ये गाड़ी लॉन्च की गई थी, उसके बाद ये दूसरा बहुत बड़ा मेजर अपडेट इसको मिलेगा, जिसके अंदर की काफ़ी सारी कमियाँ दूर कर दी जाएगी, क्योंकि मॉडर्न टेक जो है इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। फ्रंट फेशिया की बात करें, फ्रंट फेशिया काफ़ी सारा बदलाव के साथ हमारे सामने पेश किया जाएगा। रियर तक आते आते गाड़ी एक नई फ्रेश लुक लेके आएगी। साइड फायर मोर और लेस तकरीबन सेम ही रहेगी, कूपे डिजाइन जैसे पहले है वैसे ही रहेगा। मेन जो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस आएंगे, वो इंटीरियर में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपको दिखने के मिलेंगे, जैसे कि इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अभी के दौर के अंदर, अभी के ज़माने के अंदर जो हाल फिलहाल में कारें इसके कंपटीशन में है उससे काफ़ी छोटा हो गया है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिलेगा, फुली डिजिटल MID इसके अंदर मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी इसके अंदर चीज़ें डाली जो जा रही हैं। और आज के ज़माने के अंदर एडास जो सेफ्टी के फीचर्स हैं वो डाल दिए जा रहे हैं, तो नेक्सन क्यों पीछे रहे, इसके अंदर भी ये वाले फीचर जरूर ऐड कर दिए जाएंगे। एक बड़ा चेंज और इसके अंदर नजर आएगा हमें, 1.2 लीटर का TGI नया पेट्रोल इंजन इसके अंदर डाला जाएगा, जो कि 125 BHP की पावर 122 NM की टॉर्क के साथ एक गाड़ी पेश करेगी, जो कि बहुत ही शानदार है। इस गाड़ी के पावर फिगर्स को और अच्छा और माइलेज वाली गाड़ी बना दी जाएगी। आगे चले तो दो जुड़वा भाई स्विफ्ट और डिज़ायर दोनों के ही मेजर अपडेट अब और मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्द ये गाड़ी भी हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। कैमोफ्लेज गाड़ियां हम टेस्ट ड्राइव के ऊपर देख चुके हैं, मिड 2024 के अंदर दोस्तों ये गाड़ियां आने की उम्मीद है। और नेक्सन की जो बात करता हूँ, नेक्सन लास्ट में ही, इस क्वार्टर के लास्ट में ही आने की उम्मीद है, 2023 में ही ये गाड़ी हमें देखने को मिल जाएगी। मिड 24 के अंदर जो स्विफ्ट और डिज़ायर हमें देखने को मिलेगी, उसके अंदर हमारे पास मेन हाइलाइट्स आएंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा चीज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये गाड़ी बना दी जाएगी, इसके अंदर इंजन डाल दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला, जो कि 1.2 लीटर का इंजन होगा, और इसकी माइलेज क्लेम की जा रही है 35 के करीब की, जो अगर ये माइलेज इसके अंदर फिगर्स आती हैं, ये सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियों में हमने दिखाया है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जैसे मैंने हाई राइडर के बारे में पहले बताया था, उसमें भी काफ़ी अच्छी माइलेज ये गाड़ी देती है। तो ये इंजन लेके स्विफ्ट और डिज़ायर गाड़ियाँ हमारे सामने आएंगी। आगे चले तो अगली गाड़ी की अगर मैं बात करूं
नंबर पांच पे गाड़ी रखी है टाटा की पंच, मैंने टाटा पंच सीएनजी के अंदर अब अवेलेबल करवा दी जाएगी, जो कि पहले अभी नहीं आ रही, सिर्फ पेट्रोल के अंदर ही गाड़ी पेश की जा रही थी। और अभी जैसे रिसेंटली अल्ट्रोज को भी सीएनजी में लॉन्च किया गया है, तो ये गाड़ी भी हमारे पास पंच जो है वो भी सीएनजी के अंदर आएगी। इसके अंदर बड़ी खूबसूरती से, बड़े स्मार्ट तरीके से इसके अंदर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि कैसे बूट स्पेस को ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके। उसके लिए क्या किया गया, दो सिलेंडर डाल दिए गए हैं, बजाय कि एक बड़ा सीएनजी सिलेंडर के दो छोटे सिलेंडर डाले गए हैं, जिससे कि बड़े अच्छे तरीके से हम बूट स्पेस को भी यूटिलाइज कर पाएंगे। बूट स्पेस के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे दो सिलेंडर डाल दिए गए हैं, जिससे कि जगह की कमी आपको महसूस नहीं होगी, चाहे आप सीएनजी कार ही चला रहे हैं। तो 30 लीटर का एक सिलेंडर है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जगह यूटिलाइज हो जाएगी। छठवें नंबर पर जो गाड़ी रखी है मैंने, वो फ्रॉन्क्स जो मारुति सुजुकी की आती थी, वैसा ही टोयोटा वर्जन उसका जरूर पेश कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। शक्ल सूरत में थोड़ी बहुत ही चेंज करके ये गाड़ी टोयोटा के प्लेटफॉर्म पे, टोयोटा के शोरूम से आपको देखने को मिल जाएगी। अगली गाड़ी की दोस्तों मैं बात करूँ तो किया सोनेट की बात करते हैं, जो कि टेक रिच गाड़ी थी जब आई थी। अभी 2024 के स्टार्टिंग में ही ये गाड़ी आपको फिर दोबारा दिखा दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स को लेके हमारे सामने आएगी। अभी जो गाड़ी देखी गई वो हैवीली कैमरी फ्लैश थी, बहुत ही बड़े बड़े कवर्ड दिए गए थे फ्रंट और रियर में, इससे जाहिर सी बात होता है कि काफ़ी सारे चेंजेस हम फ्रंट और रियर में भी देखने को मिल सकते हैं। रही इंजन की बात, तो इंजन मोर और लेस वही रहेंगे, 1.2 लीटर का नॉन टर्बो, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का ही हमारे पास, सॉरी 1.0 लीटर का हमारे पास टर्बो इंजन इसके अंदर पेश किया जाता है। पेट्रोल के अंदर तो वही इंजन इसके अंदर पेश किए जाते हैं और वही पेश किए जाएंगे। अगर भी कल्चरलेस टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर पेश की जाती है वही इसके अंदर अभी भी आएगी। आगे बात करें तो होंडा की अमेज की मैं बात करता हूँ, होंडा की अमेज अब 2024 में बहुत ही जल्द हमारे पास काफ़ी सारे नए फीचर लेके हमारे सामने आएगी। कुछ ज़्यादा शक्ल सूरत में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाहर की बनावट कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइन की गई एकॉर्ड के साथ मिलते जुलते कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हमें देखने को जरूर मिल सकते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर एडाज का फीचर हमें देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोबली बड़ा प्रोनाउंस किया जा रहा है, जिसको कि एडाज के फीचर के साथ काफ़ी सारी सेफ्टी को जोड़ के देखा जाता है। और उसके साथ ही इसके अंदर जो इंजन आएगा 1.2 लीटर का, वही इंजन IVTEC वाला पेट्रोल इंजन डाला जाएगा, जो कि पहले भी इसके साथ ट्राइड एंड टेस्टेड चल रहा है। अगली अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो XUV 300 फेस लिफ्ट, इसके बारे में पहले भी बहुत कयास लगाए जा रहे थे, अब फाइनली ये गाड़ी को ऊपर फोकस महिंद्रा ने किया है। ये गाड़ी भी नई शक्ल सूरत बनावट के साथ हमारे सामने आएगी। इंजन में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन टेक फीचर्स के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, जैसे कि नया इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर पेश किया जाएगा। XUV 700 की तरह ही इसके अंदर भी एडास के फीचर डाल जाएंगे, नए सेफ्टी के फीचर, नए आयाम इसके अंदर रहेंगे, ज़्यादा कम्फर्टेबल गाड़ी बना दी जाएगी। और कोशिश की जा रही है थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ा दी जाए, क्योंकि पावर की कमी नहीं है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम थी इस गाड़ी की, उसको भी ओवरकम किया जाएगा। कनेक्टर कार के नए फीचर्स, वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं इसके अंदर और दे दी जाएंगी। आगे चले तो 10वें नंबर पे जो गाड़ी है वो टोयोटा के रोमियन गाड़ी के नाम से पेश की जाएगी। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये वही जैसे कि फ्रॉन्क्स के बारे में बताया मैंने, वैसे ही एर्टिका का टोयोटा वर्जन होगा ये, जिसके अंदर की थोड़ी बहुत शक्ल सूरत बनावट की चेंजेस कर दिए जाएंगे। प्लेटफॉर्म, इंजन, ये गाड़ी एर्टिका ही होगी और कोई इसमें कोई खास बदलाव की गुंजाइश भी नहीं है। बट सबसे बड़ा चेंज जो आता है सुजुकी के लोगों के बजाय टोयोटा का लोगों फ्रंट और बैक में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ये एक साल के अंदर अंदर ये 10 गाड़ियाँ 10 लाख के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद है ये वाला वीडियो, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। जो लोग 10 लाख के अंडर गाड़ी के बारे में बजट बना के बैठे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये सभी गाड़ियाँ आपके कहीं ना कहीं सूट बैठती होंगी, क्योंकि इसमें एक हैचबैक भी आती है, सेडान भी आ रही है, MUV भी है, SUV भी है, और छोटे मिनी बजट की एक मिनी SUV आपके सामने है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके अगले एक साल का बैंड जो है लेके आ रहा है, वो भी 10 लाख के अंडर में। बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों मित्रों का शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी कार बाइक में आसानी हो सके। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।